छत्तीसगढ़ हथकरघा विभाग इन दिनों सुर्खियों में है। किसी न किसी मामले को लेकर हथकरघा विभाग में विवाद की स्थिति बनी रहती है। ऐसा ही एक मामला 29 अप्रैल को सामने आया है, जब हथकरघा विभाग के सरकारी गोडाउन में महिला स्वयं सहायता प्रदेश अध्यक्ष शोभा ठाकुर के साथ अचानक मारपीट शुरू हो गई। इस मामले को लेकर अब महिला आयोग का दरवाजा उन्होंने खटखटाया है। बता दें कि जिस टेबल पर प्रदेश अध्यक्ष बैठी हुई थी, उसे भी गैर सरकारी लोगों ने उठा दिया और मामला दरअसल वर्क ऑर्डर उठाने का था। मारपीट करने वाले आरोपियों ने वर्क ऑर्डर की बात करने आए लोगों को भी नहीं बख्शा। उन्होंने उनके साथ भी जमकर हाथापाई की, जिसकी रिपोर्ट खमतराही थाने में दर्ज कराई गई। कुछ महिलाएं आई, खासकर लक्ष्मी मिश्रा, कुछ और महिलाएं उनके साथ, और मेरे पर मारपीट शुरू की, गाली गलौज, गंदी गंदी गालियां, मारपीट शुरू की। उनका कहना था कि मेरे कारण उनको काम नहीं मिल रहा, जबकि हुआ ये है कि वहां के अधिकारियों ने कुछ नियम निकाला था कि कुछ आईडी वगैरह रात दिखाएंगे, समूह वाले आईडी दिखाएंगे, उनको काम दिया जाएगा। पिछले 15 दिन से 3,350 समूह की महिलाएं बाकायदा आ रही थी, अपना आईडी दिखा के काम ले जा रही थी, कोई प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन इन महिलाओं को मेरे से प्रॉब्लम था। क्यों प्रॉब्लम था ये भी समझ में नहीं आया। उनका कहना था कि मेरे घर उनको काम नहीं दिया जा रहा है।